स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टडी डेजी व्हील प्रिंटर्स, लेटर क्वालिटी प्रिंटर्स। इनको लेटर क्वालिटी प्रिंटर्स भी कहते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर्स जो हैं, इनका दूसरा नाम क्या है? लेटर क्वालिटी प्रिंटर्स। डेजी व्हील प्रिंटर इज टाइप ऑफ लेटर क्वालिटी प्रिंटर्स। दीज प्रिंटर्स प्रिंट एंटायर करेक्टर्स एट अ टाइम रादर दैन डॉट्स। ये प्रिंटर्स डॉट के डॉट्स नहीं प्रिंट करते हैं, ये एक ही टाइम में करेक्टर्स को, एक बार में सारे करेक्टर्स को प्रिंट कर देते हैं। इसमें जो प्रिंट हेड होता है वो डेजी फ्लावर की तरह शेप्ड होता है, और जैसे देखिए ये आपका है डेजी व्हील, एक फ्लावर के टाइप में है ये डेजी व्हील फ्लावर, जो फ्लावर की तरह होता है। और इसमें क्या होता है, विद प्रिंट आर्म्स, यानी कि इसमें प्रिंटिंग आर्म्स होती हैं जो कि प्रिंट करती हैं। लुक लाइक द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर। ये किस तरह, जैसे मैंने बताया ना आपको, एक फ्लावर के शेप में होता है डेजी व्हील प्रिंटर, तो ये इसमें पेटल्स होती हैं जो कि फ्लावर की तरह लगती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से शुरू करते हैं। दिस व्हील इज माउंटेड ऑन द रोटेटिंग व्हील। एज द व्हील रोटेट्स, करेक्टर्स आर प्रिंटेड ऑन टू द पेपर by means of hammer that strikes a print ribbon। इसमें भी देखिए क्या होता है, एक व्हील होता है जो कि व्हील क्या है हमारा, ये घूमता है ना व्हील, और ये इसमें भी एक हैमर होता है जो कि, ये देखिए हैमर होता है जो कि वो पेपर पे स्ट्राइक करता है, जिससे कि हमारे करेक्टर्स, माउंट का मतलब घूमकर ऊपर की तरफ जब जाते हैं, रेज्ड माउंट ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, ये प्रिंट हो जाता है। जनरली आप इसमें ये समझ लीजिए, इन ब्रीफ मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें भी जो पेटल्स होती हैं और उसी के हिसाब से मैटर करेक्टर्स प्रिंट होते हैं, और इसमें हैमर होता है जो कि स्ट्राइक करता है पेपर पे, और सारा एंटायर मैटर ऑफ करेक्टर्स क्या होता है, प्रिंट हो जाता है। ठीक है, और इसमें बहुत ही ग्रेट डील में मूवमेंट ऑफ नॉइज़ होता है, जो कि प्रिंटिंग जब की जाती है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा शोर होता है, और प्रिंटिंग बहुत स्लो होती है। ठीक है, प्रिंटिंग मेकिंग द प्रिंटिंग वेरी स्लो। जब शोर होता है तो उसमें मूवमेंट पे असर आता है और प्रिंटिंग स्लो हो जाती है। अब लेस देन 90 CPS, यानी कि किसके कम हो जाती है, 90 कैरेक्टर पर सेकंड से हमारी प्रिंटिंग कम हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। द स्टैंडर्ड ऑफ प्रिंट इज सिमिलर टू दैट एन इलेक्ट्रिकल टाइपराइटर, इलेक्ट्रिक टाइपराइटर। और ये जो प्रिंटर होता है इसको इलेक्ट्रिक टाइपराइटर की तरह ही होता है ये। एज द करेक्टर्स ऑन द व्हील आर फिक्स, जो कि व्हील पे करेक्टर्स फिक्स्ड होते हैं, जिसमें द साइज एंड फॉन्ट कैन बी चेंज, और इसमें साइज और फॉन्ट यानी कि लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं हम बाय द चेंजिंग ऑफ व्हील इट्सेल्फ, और इसके व्हील को हम अपने आप चेंज कर सकते हैं, विच इज़ रेयरली डन, जो कि सभी आपके प्रिंटर्स में नहीं हो सकता, जो इसमें किया जा सकता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में हम नेक्स्ट, जब हमारी क्लास होगी थर्सडे को, तब हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मैटर हो गया है, तो इसको अब हम नेक्स्ट क्लास में ही कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव एनी क्वेरी देन यू आस्क मी इन द क्लास, और हर वीडियो के बाद अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप वहीं पे हमें उस पर डिस्कस किया करिए और पूछा करिए। अगर क्लियर हो गया है तो आप नो कन्फ्यूज़न, क्लियर मैम, ये आप स्टेटमेंट सेंड कर दिया करिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, मीट यू इन द क्लास।